इतनी भीड़ तो बस स्टैंड में, मैं कह रहा ठेकों के बाहर नहीं लगी रहती इतनी आपके पास लगी हुई है। भाई मेरे पास में वो आइटम है जिसे खाने के बाद में डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, उसके बाद तो फिर भांग छिड़ेगी चकर चेक। ये देख लो भाई, मारो मारी लगी है भाई साहब को चोरी के लिए। अच्छा सारे रोगी कीटाणुओं को भस्म कर देगा इस नाश्ते को करके। 15 मिनट बाद पानी पिएगा और मैदा और मसाला दो जिसमें एक जान की तरह चिपके हुई है, ओए है। उसका नाम है कचौड़ी। तो डॉक्टर भूखा मर जाएगा और मोटी जलेबी का मोटा मजा। कन्हैया ने कंस को मार के यहाँ विश्राम किया था। भांग छान ले बाबरे और किया कर ले लाल। स्लो स्लो डालना, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा कैमरे। भजन करे गोपाल को तो झक मारे गोपाल। हाँ जी महाराज जी, इतनी भीड़ लगा रखी है, आप सोने चांदी की अंगूठी बांट रहे हो कि लंगर बांट रहे हो? क्या बात है। हाँ जी राधा रानी की जय। क्या बात है जी। अच्छा सबसे पहले नाम बताइए अपना। सारा शहर रूपा कचौड़ी वाले के नाम से जानता है। क्या बात है जी। और बताइए कितने बजे सिलसिला शुरू कर देते हैं आप? सुबह 6:30 बजे से द्वारकाधीश के दर्शन खुलते हैं, सुबह 6:30 बजे। अच्छा जी। और द्वारकाधीश के दर्शन खुले नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है और लोग आपको जीने नहीं देते जी। शनिवार हो, एतवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो ना। ए प्यारे ये भीड़ लगी रहती है रोज का मेला। हाँ ये तो सब जमुना जी की कृपा है प्यारे। क्या बात है जी। तो ये सर ये कैसे, कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये मेरे पिताजी के टाइम से चल रहा काम प्यारे। कितने साल हो गए? 400-500 साल? ये समझ ले करीब 80 साल हो गए। 80 साल हो गए। अच्छा पिताजी ने शुरुआत करी थी? पिताजी ने शुरुआत की थी 15 पैसे की एक कचौड़ी। 15 पैसे की एक कचौड़ी? एक कचौड़ी आज 15 रुपए की एक कचौड़ी है। 15 रुपए की एक है? एक कचौड़ी है। क्या बात है जी। तो 80 साल हो गए सर आपने। हाँ सर। इतना रीजनेबल रखा, ज्यादा महंगा नहीं रखा हुआ ना? नहीं भाई ऐसा है प्यारे जी के रीजनेबल रेट में जी, और वो ब्रांड है तो ढूंढे नहीं मिलेगी। क्या बात है सर। ऐसे क्या खास रहता है? देख तू देख, कचौड़ी तोड़ते ही अगर इसका मसाला अलग हो गया ओ भाई तो वो कचौड़ी फेल हो गई। ओके जी। और मैदा और मसाला दो जिसमें एक जान की तरह चिपके हुए है, ओए है, उसका नाम है कचौड़ी। क्या बात है। और वो शेर पर शेर यहाँ मिलती है कचौड़ी? खाएगा ले जाएगा तू? मैं तो खाऊंगा, रिव्यू भी दूंगा। तो देख सूखी खा के देख। ये देखो महाराज जी अपने हाथों से खिला रहे हैं। सूखी खा के देख, सूखी में मजा आ रहा है कि नहीं? सूखी में मजा आ रहा है। एक हफ्ते खराब नहीं होगी, अगर चाहे तो मैडम को ले जाइयो। मैडम भी आई हुई है। अरे क्या कहने, क्या कहने। तो महाराज जी और क्या रहता है आपके पास खाने के लिए? बेटे गरम पोहा है। अच्छा जी। ढोकला है। अच्छा जी। ये आलू का डाल रहा हूँ बेटा, ले लियो। और ये ये कद्दू की सब्जी। आलू और कद्दू की सब्जी? हाँ, इनके साथ टेस्ट कर पहले। ओए होए होए, ये तो टेस्ट करेंगे पहले आप। और फिर ये है सुपर धमाका। ये क्या चीज़ है? आयुर्वेदिक आलू का झोल। आलू का झोल? आयुर्वेदिक आलू का झोल। ये कैसे बनता है? जितना भी पिएगा बॉडी में चार चांद लगाएगा। अच्छा सारे रोगी कीटाणुओं को भस्म कर देगा। ओ भाई साहब। बाबा जी सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद करते हैं लोग? नहीं मेरे पास में हर आइटम पसंद आएगा तुझको। अच्छा जी। हाँ जो रेट है उससे मंड करेगा कि सवाया रेट। क्या बात है जी। ये लो भाई साहब, भीड़ देख लो, दीवानगी देख लो, खाने के प्रति। 15 रुपए दे बेटा। रूपा जी के पास स्पेशल आते हैं। अच्छा रूपा अंकल जी कहाँ कहाँ से लोग खाने के लिए आते हैं आपके पास? ऑल इंडिया से आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया। आप एक काम कीजिए। हाँ जी। मेरी तो आप रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं। हाँ जी। ये जो नाश्ता कर रहे हैं, हाँ जी, ये दूर दूर से आए हुए हैं। हाँ जी। इनसे पूछिए कहाँ से आए हैं। अच्छा कैसा लग रहा है, पैसे वसूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या बात सर, पैसे वसूल हो रहे हैं तभी इतनी भीड़ लगा रखी है आपके पास। इतनी भीड़ तो बस स्टैंड में, मैं कह रहा हूँ ठेकों के बाहर नहीं लगी रहती इतनी आपके पास लगी हुई है। और ये जलेबी देखो भाई साहब, और इंडिया में जलेबी मिलती है, जलेबा। ये जलेबी भी आपने 80 साल पुरानी रेसिपी आपकी जलेबी? ऐसा है बेटे। हाँ जी। ये मोटी जलेबी मोटा मजा। ओए होए होए, क्या बात है भाई साहब, साइज देख लो जलेबी का। और ये ढोकला पकड़ो, भीड़ लगी रहती है। रूपा अंकल ने हमारे को टाइम दिया इस भीड़ के बीच में, हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं उनको। नहीं तो इतने बिजी शेड्यूल में कोई टाइम ही नहीं देते एक दूसरे को। ये देख लो भाई, मारो मारी लगी है भाई साहब कचौरी के लिए। ओए होए होए, क्या बात है जी। ओए होए भाई साहब, भीड़ देख लो यहाँ पर, तो आवाज पहुँचनी बहुत औखी हो रही है। बाबा जी ये प्राइस क्या रहता है जलेबी का? जलेबी है 460 रुपए किलो प्यारे। अच्छा जी, ये तो जलेबी नहीं, जलेबा इतना मोटा बनाते हैं, इतना बड़ा साइज क्यों बनाते हैं जलेबे का? नहीं बेटा ऐसा है। हाँ जी। छोटी जलेबी का छोटा मजा। अच्छा जी। और मोटी जलेबी का मोटा मजा। ये प्राइस क्या रहता है ढोकले का? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, क्या बात है। ये बन रही है लाइव जलेबा। जलेबी नहीं भाई साहब, जलेबा मिलता है, कचौरी की दीवानगी है, भीड़ लगी रहती है बस। मेला देख लो, ये मेला है भाई साहब। तो रूपा अंकल जी ये बताइए, भीड़ का कारण है क्या? नहीं बेटे, ये तो जमुना जी की कृपा है। हाँ उसी की कृपा से चल रहा है। तो मसाले क्या रहते हैं, मसालों का राज बताइए बेटा। मसाले तो सब खेलता मसालों का है, सब मसालों का, खड़े मसाले हैं सब, अपने हाथ के डले हुए। तेने ये पानी पिया कि नहीं? ये अभी पियेंगे जी, आपके हाथ से स्पेशल बनवाएंगे। कचौड़ी 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 कहाँ है? वो कचौड़ी तो गई पेट के अंदर में। पेट के अंदर गई। तो बाबा जी एक ना अपने हाथों से स्पेशल बना के दिखाइए, और स्लो स्लो डालना, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा कैमरे में। क्या बात, ये कचौड़ी डाल दी आपने, देख बेटे। ठीक है जी, ये
देंगे, थोड़ा सा क्रश कर देंगे और सारी कचौरी फील्ड रहेगी ना। दाल के साथ दाल कौन सी? मूंग दाल। मूंग दाल, मूंग दाल। अच्छा शक्ल नहीं देखनी, किस किस शक्ल देखनी पड़ेगी? इस नाश्ते को करके 15 मिनट बाद पानी पिएगा तो डॉक्टर भूखा मर जाएगा। ओए भाई साहब, भाई साग दो, साग दो। ये लो भाई साहब, ये आ गया वही आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुर्वेदिक झोल। झोल ओए होए, और चटनी डलती इसमें? मीठी वाली चाहिए? डलवा ले। हाँ डालनी जी मीठी। डलवाओ बेटा डलवाओ। ये सर के बेटे हैं भाई, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी जी, ऐसे मथुरा में विश्राम घाट। क्या बात, हरिद्वार में हर की पैड़ी ऐसे मथुरा में विश्राम घाट। विश्राम घाट इसका नाम क्यों पड़ा? कन्हैया ने कंस को मार के यहाँ विश्राम किया था। अच्छा जी। हाँ जी दोस्तों, मथुरा आए थे रूपा कचौरी वालों के पास। भाई साहब कचौरी देख लो, स्टफिंग दिखाता हूँ मैं आपको। दाल की स्टफिंग रहती कल्ली कल्ली कचौरी में रहती है, ठीक है जी। और भीड़ तो आपने देख ली होगी, टेस्ट करते हैं भाई साहब। खट्टी मीठी चटनी इनकी, ये देखो खट्टी मीठी चटनी। और ये झोला भाई साहब करे, जिसने एक बार झोल पे लिया ना उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो वही ट्राई करते हैं भाई साहब। बातचीत है बहुत तकड़ी, एक नंबर का मटीरियल है, फ्रेश है। जो इनकी खट्टी मीठी चटनी है उसमें भी दम है। और अब झोल की बारी है, गर्मा गर्म करें, एक सांस में पी लो इसको। दाल के पानी का मिक्सर है, जो दाल बॉयल करी इतने दाल को बॉयल कर रखा उन्होंने, बस वही है पानी। गर्मा गर्म देते हैं लोग, इसके भी दीवाने हो रखे भाई साहब। रूपा अंकल पहले कचौरियाँ बेचते हैं, कचौरियाँ बेचने के बाद कहते हैं भांग का नशा करते हैं। भाई साहब हमारे को तो कचौरी का नशा हो गया। वीडियो में बने रहो और दीवानगी देखते रहो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सर ये बताइए किसने आना हो यहाँ पर, एड्रेस बताइए, किसने दूर से इंडिया के कोने से आना हो, वर्ल्ड से आना हो? विश्राम घाट। और आपने हमारे को टाइम दिया थी इतनी भीड़ में, सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होता है प्रोग्राम, लास्ट 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद तो फिर भांग छिड़ेगी चकाचक। हाय हाय हाय, भांग छान ले बाबरे, अखियां कर ले लाल। हाय हाय, भजन करे गोपाल को तो झक मारे गो काल। क्या बात है, क्या बात है। चलो धन्यवाद अंकल जी, आपने टाइम दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।